यीशु छर प्रतिज्ञा करे हुए मसीह है। जब परमेश्वर हर संसार ला बनाइस तो सब कुछ बढ़िया रहीस, कोनो पाप नहीं रहीस। आदम और हव्वा एक दूसर ले माया करत रहीन और ओ मन परमेश्वर ले माया करत रहीन। कोनो बीमारी या मृत्यु नहीं रहीस, परमेश्वर ऐसने संसार ला चाहत रहीस। शैतान हर सांप के मदद ले बगीचा मा हव्वा ले गोठियाइस, काबर की ओहर ओला धोखा दे बर चाहत रहीस। तहां हव्वा और आदम हर परमेश्वर के विरोध मा पाप करीन, काबर की ओ मन हर पाप करे रहीन, इकर बर पृथ्वी मा रहे वाला सब मन से मरत हैं। काबर की आदम और हव्वा पाप करे रहीन, इकर बर कुछ और घोले खराब होई, ओमन परमेश्वर के बैरी बन गई, जेकर परिणाम के रूप मा तब ले सब मन से मन पाप करीन। हर एक मन से जन्मेच ले परमेश्वर के बैरी ये, परमेश्वर और मन से मन के मांझा मा शांति नहीं रही, लेकिन परमेश्वर शांति ला बनाए रखे बर चाहत रही। परमेश्वर हर प्रतिज्ञा करीस कि हव्वा के एक ठी वंशज शैतान के मुड़ी ला कुचली ही। ओहर ई घोले कहीस कि शैतान ओकर एड़ी ला चाबी ही। दूसर शब्द मा शैतान मसीह ला मार डारी ही, लेकिन परमेश्वर ओला फेन ले जीवित कर दी ही। इकर बाद मसीह शैतान के शक्ति ला हमेशा बर खत्म कर दी ही। कई बछर मन के बाद परमेश्वर हर प्रगट करीस कि ओहर मसीह ईसुए। परमेश्वर हर नूह ला एक ठन डोंगा बनाए बर कहीस, ताकि ओहर उ बाढ़ ले अपन परिवार ला बचा सके जोन ला परमेश्वर भेजे वाला रही। ई प्रकार ले परमेश्वर हर उ मनसे मन ला बचाइस जोन ओकर ऊपर विश्वास करत रहीन। ऐसने प्रकार ले सब परमेश्वर के द्वारा मार डारे जाए के लायक रहीन, काबर कि सब मनसे मन पाप करे रहीन। लेकिन परमेश्वर हर उ सब ला बचाए बर यीशु ला भेजिस जोन ओकर ऊपर विश्वास करते। सैकड़ों बछर मन ले पुरोहित परमेश्वर बर बलिदान चढ़ात रहीन। इहर बताते कि मनसे मन हर पाप करीन और इला घोले कि ओ मन परमेश्वर के द्वारा ओ मल्ला दंड दे के लायक रहीन, लेकिन उ बलिदान ओ मन के पाप मल्ला क्षमा नहीं करे सकत रहीस। यीशु सबले बड़खा महापुरोहिते, ओहर ओला करीस जोन कोनो पुरोहित नहीं कर सकत रहीन। ओहर उ एकमात्र बलिदान होए बर अपन आपला दे दीस जोन हर सब मनसे मन के पाप मल्ला मिटा सकत रहीस। ओहर स्वीकार करीस कि परमेश्वर उ सब के पाप मन बर ओला दंड दिही। इकर खातिर यीशु सिद्ध महापुरोहित रहीस। परमेश्वर हर अब्राहम ला कहीस, मैं तोर द्वारा संसार के सब कुल मन ला आशीष दी हूँ। यीशु इच अब्राहम के वंश ले रहीस। परमेश्वर अब्राहम के द्वारा सब कुल मन ला आशीष देते, काबर की जोन यीशु के ऊपर विश्वास करते परमेश्वर उस सब ला पाप ले बचाते। जब ई मन से मन यीशु के ऊपर विश्वास करते तब परमेश्वर ओ मन ला अब्राहम के वंशज मानते। परमेश्वर हर अब्राहम ला कहिस कि ओहर अपन खुद के बेटा ला ओकर बर बलिदान कर दे, लेकिन फेन परमेश्वर हर इसहाक के बदला मा बलि करे बर एक ठन मेमना दी। हमन सब अपन पाप मन बर मार डारे जाए के लायक रहें, लेकिन परमेश्वर हर हमन के जगह मा मरे बर यीशु ला बलि के रूप मा दीस। इकर खातिर हमन यीशु ला परमेश्वर के मेमना कथन। जब परमेश्वर हर मिस्र देश मा अंतिम विपदा भेजिस तो ओहर एक ठन इजरायली परिवार ला कहिस कि ओमन एक ठन मेमना के बलि करें, उ मेमना मा कोनो दोष नहीं होए के चाही, और अपन टाटी के कपाट के ऊपर और अगल बगल मा ओमन ला ओकर लहू ला लगाए बर रहीस। जब परमेश्वर हर उ लहू ला देखिस तो ओहर ओमन के घर ले आघू बढ़ गिस और ओमन के पहिलौठा बेटा मन ला नी मारिस। जब इहर होइस तब परमेश्वर हर इला फसह के तिहार कहिस। यीशु फसह के तिहार के
एक ठन मेमना के जैसने ओहर कभू कोनो पाप नी करे हे। इकर बर ओकर मा कुछु घले गलत नी रहिस। ओहर फसह के तिहार के बेरा मा मरिस। जब कोनो यीशु के ऊपर विश्वास करथे तहां यीशु के लहू उ मनसे के पाप मन के कीमत ला चुकाथे। इहर ऐसने ए जैसन की परमेश्वर उ मनसे ठीले आघू बढ़ गिस काबर की ओहर ओला दंड नी दे। परमेश्वर हर इजरायली मनसे मन के संग मा एक ठन वाचा बांधिस काबर की ओ मन ऐसने मन से रहिन जोन ला परमेश्वर हर अपन होय बर चुने रहिस। लेकिन अब परमेश्वर हर एक ठन ऐसने वाचा बांधे हे जोन हर सब बर ए। अगर कोनो घोले जाति के कोनो घोले मन से नवा वाचा ला स्वीकार करथे तो ओहर परमेश्वर के मन से मा शामिल हो जाथे। ओहर ऐसने इकर बर करथे काबर की ओहर यीशु के ऊपर विश्वास करथे। मूसा एक झन ऐसने भविष्य वक्ता रहिस जोन हर परमेश्वर के वचन ला बड़े सामर्थ्य के संग प्रचार करे रहिस। लेकिन यीशु सब भविष्य वक्ता मन मा ले सबले बड़े ओहर परमेश्वर ए। इकर बर जोन कुछु घोले ओहर करिस और कहिस ओहर परमेश्वर के काम और वचन रहिस। इकर बर पवित्र शास्त्र यीशु ला परमेश्वर के वचन कथे। परमेश्वर हर राजा दाऊद ले प्रतिज्ञा करे रहिस कि राजा के रूप मा ओकर एक ठन वंशज परमेश्वर के मनसे मन के ऊपर हमेशा बर शासन करही। यीशु परमेश्वर के बेटा और मसीही ए। इकर बर ओहर राजा दाऊद के ओइच वंशज ए जोन सदा बर राज कर सकत हे। दाऊद त इजराइल के राजा रहिस लेकिन यीशु सारे जगत के राजा ए। ओहर फेना ही और सदा बर न्याय और शांति के संग अपन राज मा शासन करही। उत्पत्ति 1:3-6-14-22 निर्गमन 12:20 दूसरा समुएल 7 इब्रानियों 3:6-4-14-5-10-7-1:8-13-9-11-10-18 प्रकाशित वाक्य 21 ले बाइबिल के एक ठन कथा।